हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मनीषा। दोस्तों, आज मैं ब्लैक बीन्स वेजी बर्गर बनाने जा रही हूँ। आपको मेरा ये रेसिपी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्लैक बीन्स से पेटिस बनाएंगे। ये कैंड ब्लैक बीन्स है, इसे हम पानी से पहले वॉश करेंगे। फिर उसे हम एक बाउल में निकाल देंगे और एक मिनट तक माइक्रोवेव करेंगे। अब वॉर्म किए हुए ब्लैक बीन्स में मैंने दो मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू डाले हैं। अब हम उसे अच्छे से मैश कर देंगे। अब मैंने इसमें आधा कप जितना रेड बेल पेपर ऐड किया है, आधा कप येलो बेल पेपर, श्रेड किया हुआ गाजर, थोड़ा सा धनिया, वन थर्ड कप जितना ओट्स फ्लावर, वन टीस्पून चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक टेबलस्पून जितना लेमन जूस। अब सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम मीडियम साइज की पेटीज बनाएंगे। अब उस पर ब्रेड क्रम्स लगा देना है। पैन में हम थोड़ा सा तेल लेकर पेटीज को हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कुक कर लेंगे। ये ब्लैक बीन्स वेजी बर्गर बनाना बहुत ही आसान है, आप कभी भी बना सकते हो, एक बार ज़रूर ट्राई करना, और खाने में भी बहुत हेल्दी और टेस्टी है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अब ये हमारी ब्लैक बीन्स वेजी पेटीज तैयार हो गई है। पैन में हम थोड़ा सा बटर लेकर बन को दोनों साइड से लाइटली रोस्ट कर देंगे। अब बन पर लाइट बटर स्प्रेड कर देना है। अब उस पर हम लेटस रखेंगे। अब उस पर ब्लैक बीन्स वेजी पेटीज रखेंगे। स्लाइस चीज, टमाटर, प्याज,
ग्रीन बेल पेपर, अब उस पर हम थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर और सैंडविच मसाला स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा केचप रखेंगे। दोस्तों, अब ये हमारा ब्लैक बीन्स वेजी बर्गर तैयार हो गया है। दोस्तों, आपको मेरा ये रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मेरे वीडियोस को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करना मत भूलिए। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरे वीडियोस को मेरे दूसरे सोशल मीडिया में भी देख सकते हो।